गाइस कैसे आ तुम्हें। अभी हम लोग जा रहे हैं आईकिया। मेन चीज ये है कि मुझे मेरा बेडरूम का काम करना है, थोड़ा ऐसे रिनोवेशन। जब मैं कहीं से भी ऐसे घूम के आती हूँ तो बहुत सारे बैग्स वगैरह सब बेडरूम में ऐसे फैले हुए रहते हैं, इसलिए वो सब चेंज करना है, स्टोरेज करना है। हाँ, ये मेन पॉइंट है। यस, इसको पता है मैं कुछ भी हो तो ऐसे सानी का रू तू जा अंकिता मेरी सिस्टर ऐसे सबको बुला के पूरा दिन हमारा उसमें जाता है। बहुत टाइम से करना था। और एक सच बात बोलूं, मैं लास्ट टाइम में भी कहाँ से आई सानू घूम के ऐसे अबू धाबी के पहले लंदन। हाँ, मैं जब यूके से लास्ट टाइम आई हूँ मुझे ऐसे लग रहा है वो वाली बैग फिर मैंने अबू धाबी के लिए फिर से पैकिंग की और वो बैग ऐसे ही पड़ी है। तो अभी क्या होता है ना, जब हम लोग ऑर्डर लगाते हैं वापस वो चीजें बाहर नए नए निकालते हैं फिर मैस हो जाता है। और फिर मेरी मम्मी और डैड ना सच में अभी परेशान हो अभी तक नहीं हुए हैं। हो चुके हैं, मतलब अभी 10% बाकी है। मेरे पापा का एक्चुअली ऐसा रहता है कि क्यों काम करते, वो ऐसे बहुत टाइम लगाते हैं घर पे, वो मुझे भी पसंद नहीं। वो घर पे ऐसे काम चालू रहता है फिर बहुत टाइम उसमें जाता है वैसे। पर अभी इस बार कर लेंगे तो अच्छा है कि थोड़ा स्पेस भी बनेगा एंड सब होगा। तो अभी थोड़ी देर पहले निशी भी आया था, हम लोगों ने पूरा मेजर किया है ऐसे रूम में कैसे कहाँ पे शिफ्टिंग करना है कैसे। तो फिर उस हिसाब से अभी सामान हम लोगों को पता है ऑलरेडी क्या करना है। तो मैंने उसको बोला चलो जाके आते हैं। एंड सॉरी कि हम लोगों ने चिन्ना जाने के बाद कोई व्लॉग नहीं किया। व्लॉग बनाना है बट थोड़े बिजी थे ये वो काम में। ये व्लॉग आएगा, जैसे मेरा बेडरूम का भी व्लॉग बनाऊंगी मैं एकदम पूरा होने के बाद। बहुत सारे व्लॉग आने वाले हैं उसके बाद भी, तो स्टे ट्यून एंड चलो अभी शॉपिंग करने जाते हैं। तुझे बेबी सेट क्या किया वो ऑर्डर दे दिया है सब। वार्डरोब का किया मेरा एंड बेड का भी किया सिलेक्शन, उस पर वो जो मैट्रेस है उसका भी किया। फिर अभी इधर बहुत आवाज है, तो हम लोगों ने मैट्रेस लिया, बेड लिया एंड देन वार्डरोब भी लिया है अभी। बट क्या है ना, सब वो तोड़फोड़ होने के बाद मैं जैसे थोड़ा सामान फिट करूँगी उसके बाद मुझे सामने ऐसे छोटा वैनिटी भी करना है क्योंकि मेरे बैग ये भी मेन रखना है। मैंने हम लोगों ने एक्चुअली मैंने ये नहीं लिया बट मुझे ये भी अच्छा लगा, छोटा है बट मैंने अभी क्यूट वाला लिया। पहले वैनिटी, अभी सिर्फ वो वैनिटी वाला देख रहे हैं और फिर देन हम लोग सोचेंगे। दिखाऊंगी आपको मैं क्या क्या चेंजेस करने वाली हूँ। आई नो ये व्लॉग में कुछ भी नहीं है लाइक ऐसे, बट ये है कि अभी मैं थोड़ी बिजी भी चल रही हूँ तो फिर आपको पता हो कि मैं क्या कर रही हूँ। इस वजह से हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना ये भी शूट कर ले क्योंकि ये थोड़ा घर के काम भी करना थोड़े ज़रूरी है। सो बिलिंग करके यहाँ से
अभी तक मैंने नहीं बताया, तो जब से चिन्ना गया है उसके शायद नेक्स्ट डे से मैंने डाइटिंग स्टार्ट करी है। एंड अभी मैंने 6 दिन हुआ, आज 7 डे है, मैंने ऐसे कुछ भी बाहर का जंक फूड नहीं खाया। उस दिन मॉल भी गए थे तभी भी मैंने कुछ नहीं खाया। ये मैं अभी नेक्स्ट जब मेरी ट्रिप है तब तक कुछ नहीं खाऊंगी। मैं तभी खाऊंगी जब जब चिन्ना मुझे बैठेगा। मेरा वेट बहुत ज़्यादा बड़ा था यहाँ से, सो मुझे कम करना था। जस्ट अभी मैं घर पे आ चुकी हूँ एंड अभी पहले ये दिखा दी पूरा, वो हम लोगों ने निकाला क्योंकि उसमें थोड़ा क्रैक गया था। मैंने भी फिर ऐसे सोचा कि ये साइड करते, अभी मैं ये निकालूंगी। एंड मिरर अभी मैंने अलग किया है क्योंकि अभी मैं थोड़ा यहाँ पे अलग कलर करने वाली हूँ, वहाँ पे भी अलग करने वाली हूँ, सो वो अलग हो जाएगा थोड़ा। फिर मुझे फॉर चेंज एंड मेन पार्ट और अभी बेडरूम में मेरा जो ये पहला वाला बेडरूम है आपने इसका ये देखा होगा, तो फिर अभी इसमें क्या करने वाली हूँ, ये बेड पूरा नया वार्डरोब इसलिए क्योंकि मेरे इसमें मेरी शॉपिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है। एंड जैसे कि मेरे बहुत सारे मैं अभी बैग्स भी खरीदती हूँ, मुझे अभी बैग्स का भी बहुत ज़्यादा ही है, तो मैंने जैसे अच्छे अच्छे भी सामान जो ले रही हूँ ना वो सब मेरा ऐसे ही पड़ा रहता है, और फिर मुझे मेरे सब का कलेक्शन मुझे अच्छे से करना है। सो मैंने ऐसे सोचा कि पूरा ऐसे वाइट येलो एंड ब्राउन में मैं करूँगी, तो आज मैंने ऑलमोस्ट सब चीज़ें ले ली है। अभी सिर्फ मुझे आपको थोड़ी आइडिया तो आ चुकी होगी, सो इसमें अभी 4-5 दिन जाइए, होप सो ये जल्दी हो जाए क्योंकि बाद में मुझे भी थोड़ा काम करके देन फिर मुझे भी बाहर जाना है जैसे आपको पता है। सो जल्दी जल्दी ये करके नेक्स्ट और भी ब्लॉग आएंगे, सो स्टे ट्यून्ड एंड इसका ब्लॉग आएगा मुझे लग रहा है 6-7 दिनों बाद। मुझे